कितनी मेडिसिन खाई? डॉक्टर ने कहा 8 महीने लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, पर 6 महीने तक मेडिसिन खाई कोई भी जरा सा भी फर्क। और जैसे इसने मीटिंग्स अटेंड किया लगातार, पर्सनल भी और लगातार थर्सडे संडे की मीटिंग में भी आ रही थी। तुझे बता रहे कि जिस दिन इसने 26 मार्च की मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स आया कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स है वो सब नॉर्मल आएगी। तो उस दिन इसने विश्वास किया कि परमेश्वर मैं कल ही रिपोर्ट्स कराऊंगी। और मैंने कहा वो रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम कवल है और जो लतेवाल गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम थी कि इनको खांसी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण जे मेडिसिन खा रहे थे पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, और जिसके कारण जे काफ़ी परेशान हो गए। और जैसे ही जिस डॉक्टर से जे मेडिसिन खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप टेस्ट करवाए। तो जैसे ही जे बता रहे कि जिस सिस्टर ने जब टेस्ट करवाए तो इनकी जो प्रॉब्लम आई थी, इन्होंने जब टेस्ट किया एक्स्ट्रा भी किया तो उसमें इनकी टीवी की प्रॉब्लम आ गई थी। पहले में इनकी वो रिपोर्ट्स देखेंगे। जे इनकी रिपोर्ट्स है, अच्छे से जूम दिखाए हैं। पूरा पेज दिखाओ, पूरा ठीक है। और इसके साथ इसका एक्स्ट्रा भी है, वो भी देखेंगे हम। नहीं, उसको ऐसे पकड़ो, एक्स-रे को अकेला करो आगे। तो इसमें प्रॉब्लम आई थी कि इनकी टीवी की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो जब डॉक्टर ने बताया कि आपको जो प्रॉब्लम है तो जो सिस्टर काफ़ी परेशान होगी, तो उन्होंने कहा कि आपको 8 महीने तक मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो जब बता रही कि इस प्रॉब्लम के कारण जो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि इसको लगातार फीवर हो रहा था, खांसी करने के कारण जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, और बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, कमजोरी हो गई थी कि जो अपने घर का काम भी नहीं कर सकती थी, और 6 महीने से जो लगातार मेडिसिन खा रही थी और जो बहुत ही परेशान हो गई। फिर इसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर अभी मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, क्योंकि 6 महीने से मैं मेडिसिन खा रही हूँ पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं विश्वास करती हूँ कि अभी परमेश्वर आप मुझे अच्छा कर चुके हो। और जैसे इन्होंने विश्वास से प्रार्थना की तो परमेश्वर के आगे इन्होंने मन बनाया कि जो लगातार जो हर पर्सनल मंडे की मीटिंग होती है, तो इसने विश्वास किया कि परमेश्वर मैं 5 पर्सनल मंडे की मीटिंग को अटेंड करूंगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो मेरी 6 महीने होगी जो प्रॉब्लम जा नहीं रही तो आप मुझे अच्छा करोगे। और जैसे जिस सिस्टर ने चाहत बनाई, अपना मन बनाया, तो जो बता रहे कि जो लगातार 5 संडे की पर्सनल मीटिंग में आते रहे, और जब भी जो पर्सनल मंडे की मीटिंग को अटेंड करते थे तो परमेश्वर के दास जब इन्हें टीच करते थे, उत्साहित करते थे, और हर पर्सनल मंडे की मीटिंग में इसको अलग अलग सीखने को मिलता था। और जैसे जैसे सिस्टर सीखते रहे, विश्वास करते रहे, जो फिर धन्यवाद देते रहे, तो जो बता रहे कि फिर जब सिस्टर ने विश्वास किया तो जो इसकी बॉडी में वीकनेस रहती थी, प्रॉब्लम रहती थी, मेडिसिन खा रहे थे, इसने वो तो छोड़ दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 8 महीने तक खानी, पर इसने 6 महीने खाई थी। और जैसे इसने मीटिंग्स अटेंड किया लगातार, पर्सनल भी और लगातार थर्सडे संडे की मीटिंग में भी आ रही थी। तो जो बता रहे कि जिस दिन इसने 26 मार्च की मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स आया कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स है वो सब नॉर्मल आएगी। तो उस दिन इसने विश्वास किया कि परमेश्वर मैं कल ही रिपोर्ट्स कराऊंगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो वर्ड आपके दास के द्वारा आया है। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैंने कहा वो रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु नासरी के नाम से। आज आप सिम ना जाओ, राइट ना, जो आपने मांगा खुदाबंद उस स्वर्ग से आपके ऊपर पूरा करे। मैंने कहा जो आपने मांगा वो स्वर्ग से पूरा करे, जो आपने मांगा वो स्वर्ग से पूरा करे।
तो जैसे इस सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया और उस दिन इस जहाँ पर इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि जो वचन आपके दास के द्वारा आया है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं रिपोर्ट्स कराऊंगी तो मेरी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। और जैसे जी 26 मार्च को इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और 27 मार्च को इन्होंने अपना रिपोर्ट्स कराई, और जैसे इन्होंने इसका एक्सरे किया तो जो बता रहे कि अब पहले हम इस एक्सरे को देखेंगे, और सिर्फ उन्होंने एक्सरे ही किया था, तो जैसे उन्होंने एक्सरे किया और चेक किया डॉक्टर ने, तो उसने बताया कि अभी आपकी जो टीवी की प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अभी बिल्कुल फ्री हो। और जैसे जिस सिस्टर को पता चला तो उन्होंने दिल से धन्यवाद किया, बहुत ही खुश हुए, क्योंकि जैसे इन्होंने सच में, जैसे बाइबल में भी लिखा है कि जो मेहनत हम परमेश्वर में करते हैं वो व्यर्थ नहीं होती, और जो मेहनत इसने लगातार अपने मन को बनाया और पर्सनल इन्होंने 5 मीटिंग को अटेंड किया, तो आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इसको फ्री कर दिया है, और कोई भी इसको 8 महीने तक मेडिसिन नहीं खानी पड़ी, जो बॉडी में वीकनेस रहती थी और फीवर रहता था, काम करने में प्रॉब्लम थी, अभी जो पूरी तरह से आज 1 महीना हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। हम सब अपने हाथों को उठाते हैं इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे जो परमेश्वर ने इस बड़ी गवाही को इनके जीवन में बनाया है। जो 6 महीने की टीवी की प्रॉब्लम थी, इनको फीवर रहता था, प्रॉब्लम रहती थी, घर में काम नहीं करते थे, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस थी, कमजोरी थी, और जैसे इन्होंने मेहनत की, जो बाइबल में लिखा है कि जो मेहनत परीक्षा हम परमेश्वर में करते वो कदे भी व्यर्थ नहीं है, तो सच में जो मेहनत इसने 5 पर्सनल मंडे की मीटिंग को अटेंड किया, तो उस ग्रेज उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन अपने दास को दिया, और जैसे इस बहन ने, सिस्टर ने रिसीव किया, तो आज इसकी सब रिपोर्ट्स एक्सरे नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। आमेन। बोलो अपने पड़ोसी को कि खुदावंद काम करता है, पर तेरे हिसाब से नहीं, जब तू उसके वचन के अनुसार मेहनत करता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो किससे नहीं हो सकता। बोलो किससे नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी आपकी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी बीमारी, दुष्टात्मा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो किससे नहीं हो सकती। बोलो किससे नहीं हो सकती। समझ आ रही है। इसलिए बाइबल कहती है उसमें किया हुआ परिश्रम मेहनत व्यर्थ नहीं, जिसने मेहनत की। बोलो क्या है? ये हर संडे ये रात को यहां पे रुकती थी और हर मंडे की पर्सनल मीटिंग को अटेंड करके फिर चलती, हर संडे रुकती। समझ आ रही है। काम सबको है भाई, काम है सबको, काम है, पर जीवन काम से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं। बोलो क्या है? काम जरूरी है कि जीवन है पहले? बताओ मुझे। तुम भी ले सकते हो आशीष, तुम भी छुटकारा ले सकते हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। आप भी प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो। बोलो क्या? जैसे इसने ऐसे मन बनाया कि मैं 5 मंडे की पर्सनल मीटिंग और हर संडे और वीरवार पर लगातार इसने मीटिंग अटेंड की। क्यों? इसने कहा रोटी से ज्यादा जरूरी की। किसका वचन? जब कोई इतना वचन सुनेगा तो परमेश्वर का मेरा वचन जीवित है और दोधारी तलवार से तीखा प्राण गांठ गुदे और मन की भावनाओं को, विचारों को, बीमारियों को क्या करता है? वो खत्म करता है। बोलो क्या करता है? वो खत्म करता है, खत्म। इसलिए इसकी टीवी क्या होगी? आज खत्म होगी, जड़ से खुदा ने खत्म कर दी। बोलो क्या कर दी है? जड़ से खत्म कर दी, क्योंकि जो मेहनत इसने की है उसका परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। बोलो क्या? परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया, इसलिए उसमें की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं। और जो लोग भी करते हैं परमेश्वर उसका फल देता है। बोलो क्या? उसका फल वो देता है, सही कि नहीं देता? कितनी मेडिसिन खाई? डॉक्टर ने कहा 8 महीने लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, पर 6 महीने तक मेडिसिन खाई, कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं।
8 महीने का कोर्स था इसके टीवी का, मतलब मेडिसिन का जो डॉक्टर ने कहा, पर इसने 6 महीने का ही, 6 महीने में भी जरा सभी कोई फर्क नहीं, और आखिरकार इसने छोड़ दी। फिर किसकी इच्छा को पूरा करने लगी? बोलो, किसकी इच्छा को पूरा की, किसका वचन पूरा करने लगी? जो सारे जगत के पाप के लिए मारा गया है, हमारे दुखों बीमारियों के लिए, उसके वचन को इसने पूरा किया। बोलो, क्या किया? इसने पूरा किया, और आज आपके सामने ये बलि चंगी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। बोलो, क्या आई है? एक तो मेहनत की, और उस दिन कितनी तारीख को ये इन्होंने 26 मार्च को जो खुदा ने मेरे मुंह से वचन दिया कि आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली हैं। बोलो, क्या आने वाली है? आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली है। और उसने मन से उस दिन उस वचन को ग्रहण किया और विश्वास किया कि जो परमेश्वर तूने अपने दास के मुंह से ये वचन दिया है, मैं विश्वास करती हूँ मैं कल ही जाऊंगी रिपोर्ट कराऊंगी और मेरी रिपोर्ट क्या आएगी? नॉर्मल आएगी। और जैसे उस विश्वास से ये गई रिपोर्ट कराई, जो काम 6 महीने से मेडिसिन खाने से नहीं हुआ, खुदावंद के वचन को पूरा करने से, उस वचन को ग्रहण करने से आइए पूरी तरह से फ्री है। कोई टीवी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये पूरी तरह आज फ्री है। अब तो नहीं कोई कमजोरी, कोई थकावट होती, क्योंकि टीवी के कारण इसके शरीर में वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, उठने बैठने में, घर का काम काज करने में से बड़ी दिक्कत आ रही थी। क्या रही थी आपको पता नहीं है? देखो, मैं इसे देख रहा हूं, जब इसे बीमारी तो ये थोड़ी दुखली होगी थी, इसका शरीर कमजोर हो गया था, अब दिखने में लग रहा है ये कमजोर पै गई, क्योंकि जब परमेश्वर ने फ्री कर दिया तो क्या है, बल जब आता है तो बॉडी में, हाँ, अब इसके चेहरे से पता चलता है। अब तो नहीं ना कोई मुश्किल, कोई थकावट नहीं है, हाँ, मिशन पूरी तरह फ्री कर दिया है। ये खुदावंद ने बड़ा काम किया है, ये छोटी गवाही नहीं। बोलो, क्या है? पर ये गवाही बनी कैसे इतनी बड़ी? बोलो, देखो, डॉक्टर ने कहा 8 महीने का ये कोर्स है, 6 महीने का ही कोई जरा साल भर, पर खुदावंद के वचन को पूरा किया आज आपके सामने। अगर आप भी चाहते हो तो जैसी मेहनत, जैसा इसने मन बनाया, आप भी बनाओ, आप भी करो, खुदावंद आपके साथ भी हो, करने के लिए तैयार है। तारीफ कर दो जोर से जो। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।